आप लोगों को यस ठीक है। सो आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट होगा कि हम कि एक वेक्टर इमेज को कैसे ट्रेस करते हैं, या फिर हम अपने पेन टूल को कैसे मैनेज करेंगे। उसमें इतने सारे हैंडल्स होते हैं, कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं शेप के अंदर, या वो शेप कैसी होती है, उस शेप को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम एक छोटी सी बेसिक शेप के थ्रू हम उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किसी शेप को कैसे ड्रॉ किया जाना चाहिए। राइट, तो मैं कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाके मैंने एंटर किया और यहाँ पे जाके मैं एक वेक्टर इमेज, कोई भी एक वेक्टर आर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी जिसको मैं थोड़ा सा इजिली वर्कआउट कर सकता हूँ। मैं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल इमेज को एक डाउनलोड करूंगा ताकि मैं उसमें आपको इजिली बता पाऊं कि किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। जैसे इसमें ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं अभी इसको, तो आप, मैं कह रहा हूँ आप एज अ रेफरेंस ले लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे एज अ रेफरेंस डाल दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है, आप इजिली देख सकते हो। जैसे हमारा एक सर्कल है, एक सर्कल में 3 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें 4 लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आपको एक आइडिया लग रहा है कितने लिमिटेड पॉइंट, जितने आप लिमिटेड पॉइंट्स लेंगे उतने लिमिटेड पॉइंट में आपकी एक शेप अच्छी ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं कोई भी एक यही शेप सपोज मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं वही वाली शेप को लेके चल रहा हूँ। मैं राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, अब एक कॉपी कर लिया, पेस्ट में डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में करूंगा। इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन किया, अब इलस्ट्रेटर मेरा ओपन हो रहा है। ये मेरा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, मैं अभी कोई भी फाइल ले रहा हूँ, फाइल में कोई भी साइज मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे को कभी ट्रेसिंग करनी है, मैं इतना भी लेके नहीं चल रहा हूँ कि मुझे ये वाले पेज पे सेटिंग करनी है, उस पे करनी है, कोई भी। ठीक है कुछ भी मैं ले सकता हूँ, मैं पेज क्योंकि रैंडम लेके चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पेज दिया, कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया इमेज को। अभी ये नहीं आई क्योंकि कॉपी शायद नहीं हुई है, मैं दोबारा कॉपी करके लाऊंगा वहां से। मैं दोबारा जाऊंगा, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, वापस आके कंट्रोल पेस्ट हो गया, मेरी इमेज आ गई। ठीक है, मेरी इमेज आ गई यहाँ पे। अब इमेज आके मैं इसको कर लूंगा। देखो कभी कभी इमेज होती है एम्बेडेड होके नहीं आती है, मींस कभी कभी इमेज जो होती है एम्बेडेड होके, मींस कभी कभी होता है जब मैं इमेज को लेके आता हूँ यहाँ पे क्रॉस आता है, ऐसे क्रॉस बन के आता है। उसका मीनिंग क्या होता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बट आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि लाइक कभी मैं कोई इमेज लेके आ रहा हूँ, ये आज वो इमेज मेरे सिस्टम में है, तो इट्स मीन्स अभी वो इमेज क्यों नहीं आई, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और क्यों आती है वो, उसका रीजन भी बताऊंगा। ये इमेज जो आती है उसका मतलब होता है अपनी इमेज को लिंक कराना। मीन्स सपोज एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने इस इमेज पे राइट क्लिक किया, इसको सेव किया, मैं सेव कर रहा हूँ इसको डेस्कटॉप पे। ठीक है, लोड ले रहा है, सेव एज इमेज ऑप्शन आएगा मेरे पास सेव करने का, ये मेरे पास सेव करने का ऑप्शन आ गया, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आता हूँ। देखो दोनों में डिफरेंस, दिस इमेज लाइक क्रॉस और दिस इमेज देर इज नो क्रॉस, दिस इज ऑलरेडी एम्बेडेड, तभी एम्बेडेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है एम्बेडेड, इसमें अनएम्बेडेड, इसमें एम्बेडेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। जब भी मैं मेरी इमेजेस, ये दिस इमेज विल बी कॉपीड फ्रॉम द डायरेक्टली वेब पेज, मैंने कोई ये कॉपी कहां से किया, वेब पेज से, जिसका कोई लोकेशन नहीं है, उसका क्या लोकेशन है, वेब, ओनली वेब। तो उसने जब मैंने उसको कॉपी यहाँ पेस्ट किया तो देर इज नो लो लिंक, मतलब क्योंकि लोकेशन नहीं है, मैं कह सकता हूँ ये मेरे कहीं सेव कंप्यूटर में मेरे कहीं सेव नहीं है ना, तो ये डायरेक्टली एम्बेडेड हो गया ही है। हम कोई भी वेब से जब इमेजेस को इंपोर्ट कराते हैं डायरेक्टली एम्बेडेड होती है, बट ये इमेज क्या है, मेरे कंप्यूटर की एक लोकेशन पे सेव है। ये क्या इमेज मेरे कंप्यूटर की एक लोकेशन पे सेव है, दैट्स वाई ये एम्बेडेड है, इसके अंदर क्रॉस आ रहा है। अब ये क्रॉस का मीनिंग क्या है और इसे एम्बेडेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन है। अभी ये काम मैंने आज अपनी फाइल पे किया, कल को सपोज मैं ये फाइल आपको शेयर करता हूँ, मैंने आप ये फाइल आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी, आप इलस्ट्रेटर फाइल में सेव करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी, तो होगा क्या, वो फाइल आपके उसमें नहीं दिखाई देगी, ये वाली फाइल तो दिखाई देगी लेकिन ये वाली फाइल नहीं दिखाई देगी। उसका रीजन क्योंकि मैंने ये लिंक करा के भेजा है, मींस ये फाइल जो है मेरे सिस्टम में पड़ी है और ये फाइल मेरे सिस्टम में नहीं है, तो ये ऑलरेडी मेरे वेब से कॉपीड है, ये मेरे डेस्कटॉप से कॉपीड है, इसकी लोकेशन मेरा सिस्टम, मेरा सॉफ्टवेयर कहता है इसकी लोकेशन डेस्कटॉप है। अगर मैं इसको एम्बेडेड कर देता हूँ
तो इसकी लोकेशन खत्म हो जाएगी, वो अपने लोकेशन का लिंक तोड़ देगा, मीन्स ये फाइल यहीं पे सेव रहेगी, राइट। तो ऐसे ही ये ऑलरेडी वेब पे, अभी मैं इसको एम्बेडेड करके दूंगा तो ये क्या होगा, आपकी फाइल, आपकी जब सॉफ्टवेयर में आप खोलोगे वाली फाइल तो उसमें दिखाई देगी, अन्य अगर नहीं करूंगा तो ये नहीं दिखाई देगी, सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा वहां पे। सो यही रीजन होता है हम अपनी फाइल को एम्बेडेड करना इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड कर दूंगा तो ये भी दिखाई देगी और ये भी दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है, यू कैन आस्क मी इन द क्लास, इन बिटवीन द क्लास एंड आफ्टर द क्लास एंड आफ्टर द डाउट सेशन, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे भी खाली एक ही की रिक्वायर्ड है, मैंने सिर्फ यही रिक्वायर्ड है तो मैं इसको ही ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को क्वेश्चन? अब मेरे को क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। इसको लॉक क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं अब जब इस पर ट्रेसिंग करूँ या कोई भी मैनुअली कोई वर्क करूँ तो इस पर कोई वर्क ना हो और ये बार बार अपनी जगह से हिले ना। जब भी मैं पहले ये तो हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले हम घर पे जब ट्रेसिंग करते थे या फिर हम ड्राइंग करते थे, ट्रेस ट्रेस करते थे, उसमें हम क्या करते थे, हमारा पेपर हिले ना, हम उस पेपर को लॉक कर देते थे, उस पे हाथ रख के बैठते थे ताकि वो पेपर मूव ना करे। ऐसे ही मैं इस पेपर को भी मूव ना करे इसको लॉक कर दे रहा हूँ, सेम चीज, क्योंकि अगर मैंने उस पेपर को हिला दिया तो मेरा ट्रेस जो है वो हिल जाएगा, अपनी जगह से लोकेशन उसकी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। तो अब मैं इस पे पेन टूल पे वर्क कैसे करूँ, देखो पेन टूल लॉक आ रहा है, इस पे वर्क करने के लिए मुझे एक लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं एक लेयर बना चुका हूँ और वो लॉक कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरे को एक और नई लेयर बनानी पड़ेगी, यहाँ से लूंगा न्यू लेयर, अब मेरा हाईलाइट हो गया, राइट। पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पे एक सिंगल लेयर थी और वो भी लॉक्ड थी, वो भी लॉक्ड थी, तो अब मैंने इसको एक न्यू लेयर लिया और ऊपर वो न्यू लेयर आ गई और ऑटोमेटिकली मेरा पेन टूल हाईलाइट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। बेसिकली मैं यहाँ ट्रेसिंग क्यों कर रहा हूँ और ट्रेसिंग करने का मेरा रीजन क्या है, ये भी समझना है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हम बस ट्रेसिंग करते चले जाए करते चले जाए, जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेसिंग का मतलब हमें पता होना चाहिए, ट्रेसिंग क्यों करते हैं हम, क्या इसका रीजन है ट्रेसिंग करने का, वो हमें पता होना चाहिए। सो ट्रेसिंग का रीजन पहले हम जान लेते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे हर चीज बनाने से पहले एक क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाई व्हाई वी आर क्रिएटिंग, व्हाट इज द रीजन। मैंने जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, मैंने पूछा था व्हाई वी आर यूजिंग इलस्ट्रेटर, व्हाट इज द रीजन टू यूज द इलस्ट्रेटर फॉर वेक्टर आर्ट्स। तो हमारे पास हर किसी क्वेश्चन का एक आंसर है, तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं वेक्टर आर्ट्स क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक वेक्टर है ये, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, या मैं किसी भी जनरल थिंग्स लाइक मैं ह्यूमन बॉडी या फिर कुछ भी को ट्रेस क्यों करता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। सो इसका रीजन क्या होता है, जब भी मैं कोई, आज तो मेरे पास एक छोटी वैल्यूज में है, राइट, मैं अगर कोई भी नेट से एक इमेज को डाउनलोड करके लाता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड करी, मैं इसको बोलता हूँ मेरे को 10 बाय 10 फीट पे इसको प्रिंट करना है, तो जब मैं इसको 10 बाय 10 फीट पे प्रिंट करूंगा तो ये फट जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक रास्टर इमेज है, उसमें पिक्सल्स दिखाई देंगे, बट जब मैं इसको ट्रेस कर लूंगा तो दिस इज अ हाई डेफिनेशन इमेज, मैं उसमें कोई इमेज ही नहीं, वो तो वेक्टर है, उसको तो आप कितना भी स्केल कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैं उसको ट्रेस करता हूँ। ट्रेस करने के बाद आप उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हो, उसको मॉडिफिकेशन दे सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसमें, क्योंकि वो आपने ट्रेस कर लिया, उसका आपका रॉ फाइल आ गई है। सो दैट्स वाई हम उसको ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग करने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, कि आप उसे मैनिपुलेशन कर सकते हो, उसको एक लार्ज स्केल पे ले जा सकते हो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी इन करा सकते हो, सो देयर इज अ मल्टीपल रीजंस आर देयर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, सो हम अब हमारा जो अब टारगेट रहेगा इसको ट्रेस करना, हम ट्रेस कैसे करते हैं। सो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन आई विल टेल यू वन मोर टाइम कि हाउ टू ट्रेस। मेरे पास पेन टूल है यहाँ पे, हम पेन टूल को कैसे यूटिलाइज करें और अपनी शेप को कैसे बाहर निकालें। सो देखो शेप को कट करने के हमारे पास रीजन, अब लेकिन यहाँ हम कट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ट्रेसिंग का। सो हम वन बाय वन एक एक शेप को ट्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को करनी है यहाँ पे ट्रेस क्या, बॉडी। सो बॉडी में मेरा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज को ट्रेस करेंगे। देखो मेरी बॉडी यहां से चली, कान मेरे बॉडी में नहीं आ रहे, मैं यहां से ट्रेस करूंगा, यहां से ट्रेस करूंगा, मेरी टेल बॉडी में नहीं आ रही, उसको मैं अलग से बना सकता हूँ। तो ट्राई करो अपने बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड करो, जितना अपने बॉडी के पार्ट्स को आप डिवाइड करोगे उतना आपका शेप अप्रोप्रिएट बनेगा। मैं आपको आज पूरी ये शेप डेवलप करके दिखाऊंगा, पूरी ये शेप आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको रफ एलिमेंट भी बताऊंगा, इसका आपको वीक पॉइंट भी बताऊंगा, मिनिमम से मिनिमम पॉइंट्स में कैसे शेप बना सकते हैं वो भी बताऊंगा,
साथ ही साथ आपको एंकर पॉइंट्स भी बताऊंगा, उस एंकर पॉइंट्स को कैसे मूव कर सकते हो, उन एंकर पॉइंट के कितने हैंडल्स होते हैं उनको कैसे मूव कर सकते हो, तो सारी चीजें आज आपको बताई बताऊंगा, और उनको कैसे कैसे सिंगल लेयर के अंदर कैसे मैनेज करते हैं। हमारा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इलस्ट्रेटर के अंदर हमारा आइसोलेशन मोड होता है, मीन्स अपनी आइसोलेशन। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल में बताया, लाइक जैसे आजकल के सिनेरियो में कोविड चल रहा है, राइट? तो कोविड में क्या होता है, जब किसी को कोविड होता है तो क्या कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, है ना? तो ऐसे ही हमारी इमेजेस को हम आइसोलेट करेंगे, मींस यहाँ पे हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं, हम इमेजेस में काम कर रहे हैं, वेक्टर आर्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये शेप्स है, इन सारी शेप्स को एक आइसोलेट कर देता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, करता है उसको आइसोलेट कर देता है, सारी शेप्स को ऑटोमेटिक एक आइसोलेट बना के एक सिंगल लेयर में मर्ज करके दे देता है। बट वो इमेजेस के अंदर वो मर्ज नहीं होती, वो सेपरेट सेपरेट भी रहती है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ अपने पेन टूल से एक शेप, कैसे करेंगे देखते हैं। शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, शेप बनाने से ज्यादा शेप को डिवाइडेशन, ऐसा मत करना कि शेप बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, शेप की डिवाइडेशन भी इंपॉर्टेंट है, शेप को कैसे डिवाइड करना चाहिए, शेप को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, शेप की क्या होती है, वो सारी चीजों का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बड़ी शेप बनाता हूँ, मेन शेप बनाता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैं कर रहा हूँ। देखो अभी पहले मैं रफली क्रिएट करूंगा, पहले मैं रफली क्रिएट करूंगा, उसके बाद उसके अंदर फिनिशिंग करूंगा। एक शेप बनाओ लेकिन उतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उसमें दोबारा करेक्शन ना करना पड़े, या फिर हम करेक्शन कर भी रहे हैं तो टाइम लेके करें। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है हम लोग फटाफट फटाफट बनाते चले जाते हैं लेकिन हम देखते नहीं हमारी शेप क्या है, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इसके हैंडल्स को मूव कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के मैंने इसका हैंडल छोटा कर दिया। अब मैं दूसरा शेप बनाऊंगा, ये क्या हो रहा है, अब मेरे को ना कलर दिखाई दे रहा है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये अंदर का जो कलर है ना दिखाई दे रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे को शेप ही विजिबल नहीं हो रही है, मैं शेप ही नहीं देख पा रहा हूँ अपनी, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मेरे को यहाँ की जो है ऊपर की कलर फिल वैल्यू जो है उसको आउट करना पड़ेगा, मैं आउट कर दिया, राइट? मैंने अभी देखो उसका लेग नहीं लिया है, मैंने लेग नहीं लिए हैं, मैं ऊपर की वैल्यू उसको लेके चल रहा हूँ, मैं ऊपर की अभी मैं एक शेप बना रहा हूँ। हेलो यस सर, ये जो आपने ये कलर आउट किया ना सर, हाँ ये हाँ मैं रहा था, मेरे में नहीं हो रहा था। देखिए एक बार ट्राई कीजिएगा, हो सकता है किसी सिस्टम में ना हो रहा हो। देखिए हर किसी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आपने लेयर को सेलेक्ट ना कर रखा हो सकता है आपने लेयर को सेलेक्ट कर रखा हो लेकिन उस शेप को सेलेक्ट ना कर रखा हो, तो देर इज अ मल्टीपल रीजंस आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद हमारी शेप जिसकी हम मन करें वो शेप सेलेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद हम किस क्या कर रहे हैं, हमारी ये होता है स्ट्रोक और ये होता है हमारा फिल, हम फिल बंद कर रहे हैं कि स्ट्रोक बंद कर रहे हैं, जो भी फिल कर रहे हैं उसको ऊपर होना चाहिए, अगर मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रोक ऊपर होना चाहिए, मेरा फिल कर रहा हूँ तो फिल ऊपर होना चाहिए, आफ्टर दैट मैं उसका नन करूंगा, ठीक है? सो अगली बार आप थोड़ा सा ध्यान केयरफुल रहो कि मैं जो चीज बंद कर रहा हूँ वो चीज क्या है, ठीक है? फिर भी नहीं होगा तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है? तो मैं दूसरी शेप अपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं फटाफट फटाफट शेप बनाए जा रहा हूँ लेकिन उस पर भी रेक्टिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं बस शेप बना रहा हूँ। अभी देखो अब मेरे को इसका हैंडल नहीं चाहिए, ये आगे वाला हैंडल मुझे नहीं चाहिए, तो ऑल्ट के साथ मेरे को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, हैंडल बंद हो जाएगा, ये मेरा शेप बन गया, एक शेप मेरा कंप्लीट हो गया। देखो शेप कंप्लीट इस वाले बटन से होगा, ये मेरा शेप हो गया डन, मेरा फर्स्ट शेप इज फिनिश्ड, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को पूछिए एक बार। सर ये बोला था, जैसे हम जैसे कि पेन टूल से करते हैं सेलेक्ट, तो हमें जैसे कोई शेप ऐसा चला गया तो अगर हम वापस को स्टॉप करना है उसी पॉइंट पे तो फिर कैसा होगा? जैसे कि हमें एक एनिमल है, हम उसको आधा सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट किया आधा बट वो बाहर चला गया, फिर हमें उसको स्टॉप करना है उसी पॉइंट पे, उसके लिए हम कौन सा फिर लगाएं? आप बोलना चाह रहे हो जैसे लाइक मैंने पॉइंट बनाया, वो पॉइंट छूट गया मेरा, तो मेरे को वापस उसी शेप को पिक करना है, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका? राइट सर, देखो सेम सेम सिनेरियो मैं क्रिएट करता हूँ अपनी फाइल में, ठीक है? मैंने दूसरी शेप बनानी शुरू करी और दूसरी शेप बनाते बनाते मेरा सपोज पॉइंट छूट गया, मैंने बनाया और मेरा पॉइंट छूट गया, ठीक है? मैंने यहाँ करा रहे कंट्रोल लेट करना है, मैंने कहीं दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर दिया और अब मेरे को इसी शेप को आगे कंटिन्यू करना है और मेरा पॉइंट छूट गया, वापस इस शेप को मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है,
कैसे करेंगे, मैं अपना पेन टूल लूंगा और इस पॉइंट पे जाके पहले क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे किसी भी शेप को हाईलाइट करते हैं। देखो फिर छूट गया मेरा पॉइंट, ठीक है, मेरी शेप बन गई, दूसरी शेप भी मेरी बन गई, मेरे दोनों मेरी मेन दो शेप बन गई बॉडी वाली। अब मेरे को कुछ नहीं बनाना, अब मेरे जो लेग्स रह गए हैं ये रह गए छोटे छोटे एलिमेंट्स, इनको क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, ऐसे शेप्स को मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये शेप भी क्रिएट हो गई मेरी, अभी बाहर निकला हुआ है, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, पहले फटाफट शेप बना। देखो ऐसा नहीं है कि पहले सारी शेप बनाई जाती है, लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट है, मैं पहले छोटा, ज्यादा बड़ा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं सारी शेप को क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिकली हम किसी भी शेप को कैसे क्रिएट करते हैं। जनरली मैंने देखा बहुत बंदे सारी एक ही शेप में सारा निपटा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको पहले शेप बनाकर दिखा रहा हूँ। अदरवाइज जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहता है, किसी भी शेप को अगर आपने बनाया, सपोज मैंने कोई एक शेप बनाई ये वाली, तो पहले मैं इसको पूरा रेक्टिफाई करूंगा फिर दूसरी शेप बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा ही कीजिएगा, पहले एक शेप बनाया उसको प्रॉपर रेक्टिफाई किया फिर दूसरी शेप बनाई, जनरली ऐसा ही काम करना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं, मैं बाकी शेप्स भी फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, मेरी ज्यादा नहीं, तीन शेप बची हैं बस। ठीक है, हो गया मेरा सारा शेप क्रिएट, कान रह गए, कान को छोड़ दो बाद में कर लेंगे, कान इजी है, ठीक है। यहां तक हमारा कोई डाउट किसी को? अब हमें क्या काम करना है, अपनी शेप को रेक्टिफाई करना है, क्या करना है, शेप को रेक्टिफिकेशन करना है। अब शेप को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, मैंने क्लिक किया शेप पे और हम इसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। मैंने कौन सा टूल लिया यहाँ पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कौन सा टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कमांड है ए, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे जाने के बाद आप अपनी शेप को रेक्टिफाई करें, जूम करो जितना मैं कहता हूँ, जितना समझ में आता हो उतना जूम कर दो और उसको रेक्टिफाई करना शुरू करो। मैंने जूम किया,
मेरा पॉइंट ये रहा, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ एडजस्ट सर करूंगा। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जूम के लिए कंट्रोल प्लस ही होता है ना, या कोई कंट्रोल और? प्लस से भी आप जूम कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉल बटन दबाओगे तो भी आपका जूम होता है। ठीक है, एक साइड से एक सिरे से आप एडिट करना शुरू करो। मैंने सपोज यहां से शुरू किया है, मैं एक एक पॉइंट को प्रॉपर मैनेज करके चलूंगा, प्रॉपर। जब तक मेरी शेप प्रॉपर नहीं बैठ जाएगी मैं तब तक एडिट करता रहूंगा, ये समझ लो मेरे को हैंडल मैनेज करना किस तरह से। और आपका हैंडल अगर मैनेज नहीं हो रहा तो करते रहो हैंडल मैनेज जब तक नहीं हो रहा। क्लिक करो, मूव करो, हैंडल मैनेज करो, आई डोंट केयर। जब तक मैनेज नहीं होगा आप आगे नहीं जाओगे, आप खुद समझ लो, ठान लो कि मेरा जब तक हैंडल मैनेज नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, देख लो प्रॉपर शेप लाइन पे आनी चाहिए, पूरी शेप। पॉइंट को स्मूथ करने के लिए ये हमारा बटन है, पॉइंट को स्मूथ करने का बटन दबाओ। ठीक है, अब मेरे को लगता है यहाँ एक पॉइंट की और नीड है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरा यहाँ पे आता है एड एंकर पॉइंट, मैं इसको पॉइंट को ऐड करूंगा, नीड करूंगा। शॉर्टकट कमांड अगर किसी को पूछनी है तो यहाँ पे आता है प्लस और माइनस, प्लस फॉर एड और माइनस फॉर डिलीट। ठीक है, और जनरल लेने के लिए पी। एक पॉइंट बनाओ, एक पॉइंट पे टाइम देना है आपको, जितना टाइम एक पॉइंट पे दोगे उतना ही वो शेप अच्छा बनेगा, अगर टाइम नहीं दोगे तो शेप अच्छा नहीं बनेगा। अभी मेरे को लगता है यहां ना एक पॉइंट की नीड है, क्योंकि मेरा ये पॉइंट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो मैं प्लस दबा के यहां पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। यूज द शॉर्टकट्स, जितना शॉर्टकट यूज करोगे उतना ही आपका शेप और सारी चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है, देख रहे हो कितना कितना शेप अब मेरा होने लगा है अप्रोप्रिएट। अभी आपको लग रहा है यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट की नीड है, तो मैं एक पॉइंट ऐड करके यहाँ शेप क्रिएट करूंगा। यूज द शॉर्टकट्स, जितने शॉर्टकट यूज करोगे उतना ही शेप जल्दी में ना आएगा और चीजें आपको और हैंडल, आपका स्पीड वर्क होगा। किसी भी चीज को स्पीड वर्क करना है यूज शॉर्टकट्स। राइट, अब देखो आपका शेप कितना अप्रोप्रिएट हो गया। ठीक है, एक शेप बन गया, अब फोकस द सेकंड शेप। अगर आपको लगता है मेरा ये शेप ओके है, इस पे कलरफुल करना है, डायरेक्टली यहां से सेलेक्ट करो, हमारा यहाँ पे आता है आई ड्रॉपर टूल, इस पे क्लिक करो और अपना कलर फिल कर दो, कोई टेंशन नहीं, कलर फिल कर दो आप बंद करके। ठीक है, नेक्स्ट मेरी शेप, मैं इस पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट शेप पे आ जाता हूँ। देखो कोई भी शेप है, अगर किसी भी शेप को जज करना है कि मेरी शेप अच्छी है या नहीं है तो कैसे जज करेंगे, मैंने अपनी शेप है इसको बाहर निकालो और देखो कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा इधर ग्लिच लग रहा है, क्योंकि यहाँ की शेप पता नहीं कैसी है, लेकिन फिर भी वी कैन कंसिडर, इनिशियली वी कैन कंसिडर। देखो यहाँ पे क्यों गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट कैसा बना हुआ है। मैं वापस वहीं जाऊंगा और अपना इसको अंडू करूंगा और इस पॉइंट को ठीक करूंगा, क्योंकि मेरे को परफेक्ट पॉइंट चाहिए। इस पे गया, स्मूथ करा, ठीक है, अब देखो अब मैं इसको वापस इस पे कलर फिल करता हूं और अब मैं इसको बाहर निकाल के देखूंगा। देखो जो मेरे को ग्लिच दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई देगा, कितना स्मूथ हो गया, दिख रहा है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को एनालाइज करा जाता है, मतलब जैसे आपने पहले बचपन में गेम पढ़े होंगे, हम ए और ए को मैच करते थे, बी और बी को मैच करते थे, बॉक्स शेप्स को मैच करते थे, बॉक्स वाली शेप कौन सी है। तो जब तक शेप ही मैच नहीं करेगी तो आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा, तो हमने वहां पे ऑलरेडी वो शेप बनी आती थी, लेकिन यहाँ पे हम शेप बना रहे हैं, मैच तो हम बाद में करेंगे, यहाँ शेप बना रहे हैं। तो शेप्स को बनाने के लिए आपको जजमेंट बहुत जरूरी है कि उसको लगाने के बाद कैसा दिखाई देगा। ठीक है, मैं वापस को लगा देता हूँ उसके ऊपर और इसको मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कलर आप फिल कर सकते हो, नो इशू, आपकी चॉइस है, मैंने कलर फिल करके रख दिया। हेलो नाउ आई एम सर, मूविंग इन सेकंड शेप। हाँ बोलिए।
कलर के लिए सर जैसे कि F6 प्रेस करते हैं, कोई इतना बड़ा टूल यूज नहीं करना कलर के लिए, नॉर्मल आपका कलर पिकर टूल है और मेरे को सेम कलर भरना है तो जस्ट पिक द टूल एंड फिल द कलर, ठीक है, कलर हटाना है वापस पिक द टूल एंड फिल डिलीट द कलर, ठीक है. नाउ अगेन आई एम जस्ट यूजिंग द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फॉर द लाइक फिनिशिंग आवर इमेज आवर शेप. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू जूम. शेप पे टाइम दो, जितना टाइम एक शेप पे दोगे, देखो मैंने कितना टाइम दिया अभी. जनरली सोचो मैं तो एक्सपीरियंस हूँ और आप फ्रेशर हो, और फ्रेशर के लेवल पे आप 5 मिनट से ज्यादा एक शेप पे नहीं देते, जबकि आपको 10-10 मिनट 15-15 मिनट खाली एक शेप पे देने चाहिए. तो इस चीज का ध्यान रखो, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही बेनिफिट है. टाइम दो, जूम करके काम करो, जितना जूम करके काम करोगे उतना बेनिफिट होगा, उतनी ही चीजें पकड़ में आएंगी. सर बिना जूम के हो भी नहीं पाएगा, करो जूम करके, क्या दिक्कत है, कोई मना कर रहा है जूम करके काम, इसके कोई पेमेंट थोड़ा देनी एक्स्ट्रा. ठीक है, हो गया मेरा शेप ओके, कलर फिल करो, साइड रखो, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड शेप, क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, शॉर्टकट कमांड ए वी ए वी. मैं अभी क्लिक करके दिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अदरवाइज मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, ए वी ए वी यूज करूंगा आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, जब मैं हो सकता है बीच बीच में मैंने 2-3 बार यूज भी किया है. सो आपको भी हैबिट होनी चाहिए ए बी ए बी कहाँ पे यूज करना है. ठीक है, हो गया मेरा शेप, कलर फिल करना, कलर फिल कर दो, सेम ही कलर है, पिक करो, कलर फिल कर दो, मेरी वाली शेप बनाई नहीं है ना. अच्छा मैंने लेग पैर की जो शेप है वो बनाई नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा. नहीं चल रही, ठीक है, ऐसी मैं शेप बनाऊंगा. टूल्स का यूज करो, जितना टूल्स का यूज करोगे अपनी बेसिक शेप्स का, उनका उतना ही बेनिफिट है आप लोगों का.
मैंने शेप बना ली, अगेन मैं इसको सेट करूंगा। जितना मैनुअली उसको सेट करोगे उतनी ही शेप आपकी अच्छी बनेगी और अप्रोप्रिएट बनेगी। ठीक है, मेरी टेल लग रही है, टेल को मैं एडजस्ट करता हूँ फटाफट से। यहाँ मुझे पॉइंट कर ऐड करने की नीड है, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा फटाक से। पॉइंट्स को स्मूथ करके चलना है, पूरा प्रॉपर स्मूथ करके चलोगे तभी पॉइंट्स अच्छे लगेंगे देखने में, अदरवाइज पॉइंट्स अजीब लगेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी इनफ है, बाकी और डिटेल में वर्क करने के लिए और डिटेल ही आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, मेरा ये ऑलमोस्ट मेरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के रखूँ, सो यू कैन सी दिस, दिख रहा है थोड़ा सा मेरा यहाँ पे अलाइनमेंट में दिक्कत है, खुद ही पता चल जाता है चीज़ को देख के। ठीक है, मैं इतना डिटेल में काम क्यों कर रहा हूँ कि कल को जब मैं इसको, अभी ये 1x1 इंच का है, लेकिन कल को जब मैं इसको 10x10 फीट में प्रिंट करूंगा तो वो छोटे छोटे जो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो इतने बड़े बड़े पोस्टर में बड़े बड़े दिखाई देंगे। राइट, दैट्स वाई मैं इतना डिटेल में इतना जूम करके काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे को करना ही करना है। ठीक है, अब रही बात मेरे दूसरे एलिमेंट्स की। ठीक है, ये मैंने बना लिया, मेरा अच्छा बन गया, नो डाउट। इसको मैं वापस अभी ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे लाइक जैसे ये ईयर्स हैं, बहुत ईजी है, ईयर को बनाना मैंने बेसिक शेप के थ्रू आप इसी बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बड़े बड़े महंगे महंगे टूल यूज़ करने की। देखो परफेक्ट लगेगा ना, मेरे हल्का सा शेप को दबाने वाली बात है बस। ये मेरी बन गई, सेम को शेप को कॉपी करने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, शेप कॉपी हो जाएगी। किसी भी शेप को कॉपी करने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक कर दोगे, शेप कॉपी हो जाएगी आपकी। मेरा दूसरा वाला शेप भी बन गया। ठीक है, दोनों में सब में इन दोनों में कलर वही भरा जाएगा। अभी आपने देखा मैंने अभी जितना भी काम किया वो एक ही शेप का था, मेरे को सेम अंदर वाली शेप बनानी है, कैसे बनाऊंगा? ठीक है, इसी शेप को कॉपी करना है, मैंने वही बताया था, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दोगे तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ ऑल्ट के साथ छोटी करने से नहीं होता, ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करूंगा पहले, वो शेप भी रहेगी और नई वाली शेप भी आ जाएगी। तो ये रही नई शेप और इसको छोटा करूंगा मैं, थोड़ा सा पिचकाऊंगा और थोड़ा सा अब अंदर लूंगा। ठीक है, और इसको दबा लो थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी। ठीक है, सेम चीज मुझे उधर चाहिए, क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पे भी रहेगी इमेज और वहां पे भी चली जाएगी। ठीक है, मेरा सारा बेसिक चल रेडी हो गया, दोनों ये दोनों व्हाइट है, दोनों को सेलेक्ट किया, इसमें दोनों में व्हाइट कलर फिल किया। इसके अलावा हमारे जो एलिमेंट जितने बच रहे हैं, दिस वन, दिस या बाकी सारी जितनी भी शेप्स हैं, इन सबको सेलेक्ट किया, इनमें सिंगल कलर वाली है, इनको इनमें ये फिल कर दिया। ठीक है, आपका मेन वाली शेप रह गई है, उसमें फिल नहीं हुआ है, इसमें भी फिल कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे कान जो हैं ऊपर आ रहे हैं, दिख रहा होंगे आपको, मेरे कान जो हैं अप आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो इन कान को मेरे को पीछे लेके जाना है, इन दोनों, इसको 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 और इसको, इन चारों को मेरे को क्या पीछे लेके जाना है, तो इन को पीछे कैसे लेके जाऊंगा, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। कोई भी चीज़ है पीछे चाहिए तो ओवरलैप होगी पीछे, शॉर्टकट कमांड उसमें दे रखी है राइट क्लिक अरेंज के लिए,
कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स, मैंने पहले ही बताया हुआ, इससे आप यूज कर सकते हो। मैंने अभी क्लिक करके इसलिए दिखाया ताकि आपको कमांड भी पता चले और उसका यूजर्स भी पता चले। तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कमांड है हमारी यूज करने की, ठीक है। ये आपका अब हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, अगर आपको दिख रहा हो तो। मेरी सारी शेप्स में कलर भर चुका है, सब में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इंटरनल वाला बनाता हूँ। इंटरनल के लिए मैं इस वाली लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, एक नई लेयर बना रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि बाहर वाला एरिया कैसे दिख रहा है, अदरवाइज उसके अंदर भी आप बना सकते हो उसको ऑफ करके, ठीक है। तो मैं कोई नहीं, मैं नया बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब नई शेप बना रहा हूँ मैं यहाँ से बेसिक शेप्स के थ्रू, और बेस कलर ऑफ रखूंगा मंदिर का। ठीक है, सेम एक और कॉपी बना लूंगा इसकी, ऑल्ट के साथ क्लिक करके। आईज का जो शेप रहता है वो सेम रहता है, शेप कॉपी हो गया। नोज बनाना है, फटाफट से नोज बना लेता हूँ। क्लिक 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 एंड क्लिक, 3 क्लिक में बनाया नोज फर्स्ट क्लास। अगेन अब अंदर का बनाऊंगा, हैंडल को चेंज करूंगा अंदर की साइड पे। क्लिक, ये हैंडल को छोटा करूंगा। क्लिक क्लिक, अगेन ये हैंडल को छोटा करूंगा। मेरा सेम जैसे पॉइंट वहां क्रिएट हुआ, सेम एज इट इज पॉइंट यहां भी क्रिएट होंगे। क्लिक, मेरा शेप छूट गया। कंट्रोल जेड करो, क्लिक करो, वापस शेप बनाओ, ठीक है। अब देख रहे हो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, तो क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। मैंने शेप बनाई, बहुत मेहनत लगी शेप बनाने में, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है? एडजस्टमेंट्स, मतलब शेप को मैंने मैनिपुलेट तो करना ही पड़ेगा, मैनिपुलेशन नहीं हो रखी है उसके अंदर। सो मैं अगेन से मेन मैनिपुलेशन करूंगा, शेप में स्मूथनेस, वही आपको हैंडल स्मूथ करने पड़ेंगे। सॉरी, इस वाले पॉइंट को नहीं, इस वाले पॉइंट को स्मूथ करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले अंदर वाले सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर सकते हो, क्लिक एंड क्लिक दिस बटन, ठीक है। ठीक है, मेरी 300 बड़ी बड़ी शेप बन गई, मेन वाली सिलेक्ट कर लो तीनों को। ये शेप कहाँ चली गई? कोई नहीं, इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तीनों शेप को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कलर फिल करूंगा, ऑन कर लूंगी चली लेयर, कोई दिक्कत नहीं है उसी देख, क्योंकि उसे देख के मैं कलर फिल करना। अगेन ऑफ कर देता हूँ उसको मैं, क्योंकि मेरा मेन आ गया। अब मेरे को एंटर अप बनाना है, कलर ऑफ कर दो, प्रॉब्लम होगा देखने में। मुझे पता है कि शेप को सर्कल कहाँ से दिया जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे अपना कर्सर रख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के साथ वो पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही पता चल जाएगी सारी चीज़ें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी जगह पर सर्कल रखना है, कौन सी जगह पर नहीं रखना है। तो मुझे तो आइडिया है इसलिए, लेकिन आपको आइडिया लेने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने सब जगह पॉइंट बना लिया, शेप को शेप पर वर्कआउट करूँगा।
इन शेप के भी मुझे रीड नहीं है, बंद कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं। मैं कह रहा हूँ इन सबको ताला लगा दो या इनको भी बंद कर दो। ये तो ताला लगा दिया, अब ये वर्कआउट नहीं होगी। ये वाली शेप पे वर्क करना, इस वाली शेप पे वर्कआउट होगा खाली। नीचे वाला ऑलरेडी हाइड है तो उसका मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मेरा शेप बन गया, कलर फिल कर दूंगा। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये शेप नीचे जाएगी तो उसको कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ पीछे ले जाऊंगा। बाकी मैं लेयर कौन कर लेता हूँ अपनी। अब सी दिस, मेरी पूरी शेप रेडी हो गई है। इस वाले लेयर को हाइड कर दूँ। आपका आउटपुट रेडी हो गया, सी दिस। इसको आप कितना भी जूम कर लो, आप खराब नहीं होने वाला। 6,000 64,000 जूम कर दिया मैंने इसका, 64,000 देखो, 64,000 में जूम कर चुका हूँ, लेकिन कोई क्वालिटी में फर्क नहीं है, बिकॉज दिस इज द वेक्टर आर्ट। ठीक है, समझ में आया किसी वेक्टर आर्ट को कैसे जनरेट करते हैं, क्या होता है एक वेक्टर आर्ट, क्यों इसको बनाना चाहिए, क्या यूज है हमारा उसका, कितनी लेयर से, दो लेयर में वर्कआउट किया, सी दिस द रिजल्ट। अब बन जाएंगे वेक्टर आर्ट। यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को लगता है वेक्टर आर्ट नहीं बन पाएगा? बन जाएगा सर, बट हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यस दिस इज द ऑब्वियसली दिस इज द प्रैक्टिस वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के मैं ये कह दूं बन जाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है ये। यस सर, प्रैक्टिस, ये टोटली आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। तो आज का जो हमारा मेरा जो ऐसा टॉपिक दूसरा था, लेकिन आप लोगों ने किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं हर्डल्स के, सो इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कल तक आपको एटलीस्ट मेरे को दो वेक्टर आर्ट दिखाने हैं। ठीक है, क्या दिखाने हैं? दो वेक्टर आर्ट। ये जो बनाया ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। लोअर वर्जन में सेव कर रहा हूँ, किसी को कोई भी वर्जन सब में खुलेगा। ये मैंने सेव कर दिया, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये हमारी क्लास है, मैंने इसको व्हाट्सएप कर दिया इसमें। साथ ही साथ मेरा जो रिकॉर्डिंग